भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम विजिबल ऑडिबल टू एवरीवन, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। उम्मीद है आप सभी ने आज हिस्ट्री पढ़ी होगी सुबह सुबह उससे तसल्ली से, और अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा जरूर, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट मैंने आपको आज पढ़ाया है। ठीक है, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ना बेटा। तो अभी 1000 क्वेश्चन इस क्लास में तो पूरे हो नहीं पाएंगे, तो मैंने रात को 8 बजे भी एक क्लास लगा दी है, 1000 खत्म करने हैं क्वेश्चन आज। ठीक है, दो क्लास हो चुकी है, तीसरी ये और चौथी है। ठीक है, 250-250 करके अपन लोग क्वेश्चन कर देंगे पूरे। ठीक है, जो भी अच्छा देख रहा है। बाकी लूसेंट 5 बजे होगी आज भी। ठीक है, 5 बजे लूसेंट होगा, अनअकैडमी कॉम्बैक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो रेफर कोड यूज करके, लाइव अमन। ठीक है, ये रेफर कोड है, इस रेफर कोड को यूज करके आप अनअकैडमी कॉम्बैक्ट, अरे मेरे ख्याल से हो भी चुका है आज का 12 बजे, लेकिन कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसमें आप जुड़ जाइएगा, लेकिन जुड़िएगा जरूर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज ना फ्री होती है सारी की सारी बेटा, फ्री टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मौका है आपके पास। ठीक है, और पूरा जो कोर्स अवेलेबल है वो भी आपको मिल रहा है लाइव अमन रेफर कोड यूज करके, आपको 2 साल पे 4 मंथ, 1 साल पे 2 मंथ और उल्टा 10% डिस्काउंट भी। ये सब कुछ 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है क्लासेस, तो आप इस रेफर कोड को यूज करके, गोल सिलेक्ट करके, गट्सन क्लिक करके, मंथ सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो और रेफर कोड लगा सकते हो लाइव अमन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, शेयर करना, मैक्सिमम शेयर करना यार सेशन को, हर एक बच्चा मैक्सिमम शेयर करना सेशन को, सो डैड के बच्चे जुड़ सके। ठीक है, सो डैड के बच्चे जुड़ सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इस वर्ष के जो बनाए गए। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ष के बनाएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है ना, इस वर्ष के बनाएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 2021 के जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो हेड बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, है ना। गजब क्वेश्चन, ठीक है, गजब क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है, नजमत समीन खान इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, किसी को नहीं पता शायद, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, इस साल के नजमत समीन खान को बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कैरेटीन अ प्रोटीन इज द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कैरेटीन एक प्रोटीन है और ये किसका मेजर कॉन्स्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करना मैक्सिमम, है ना, ये किसका मेजर कॉन्स्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। देखो, कैरेटीन हेयर में भी होता है, स्किन में भी होता है, नेल्स में भी होता है, सींग में भी होता है, फिदर्स में भी होता है, वूल्स में भी होता है, मतलब कैरेटीन इज कैरेटीन। ठीक है, कैरेटीन हर जगह, ठीक है, जहां देखो वहां कैरेटीन। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, डी इसका आंसर है, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, डी इसका आंसर। एक और क्वेश्चन, वाइज रन ऑफ कच ऑफ इंडिया फेमस फॉर, देखो रन ऑफ कच आप सभी जानते हैं, पहले तो कच इसलिए है कि भाई पूरा जो सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं जो डिस्ट्रिक्ट है वो कच्छ है। ठीक है, दूसरा भाई किसके लिए फेमस है, ठीक है, अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट कर चुके हैं, ठीक, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ठीक है, तो बेटा जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, देखो टाइडल और फ्लैट्स के लिए, अगर कोई बोले कि सिर्फ टाइडल फ्लैट्स, आप सभी जानते हैं कच्छ व्हाइट सरफेस के लिए भी, ठीक है, फेमस, और साथ के साथ टाइडल और फ्लैट्स जो होते हैं, ठीक, उसके लिए भी फेमस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन उठाओ यार, आप खुद उठाओ क्वेश्चन। हाँ जी, देखो यार, हमारे देश में टेलीविजन जो स्टार्ट हुआ था ना, मतलब वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ, एक्सपेरिमेंटल सर्विस थी, मतलब एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट हुआ टेलीविजन भी, जो आप इस समय हम एलईडी एलसीडी ये सब देखते हैं, बहुत ज्यादा रिसेंट की बातें हैं। ठीक है, बताइए टेलीविजन सर्विस एक्सपेरिमेंट के रूप में सबसे पहली बार भारतवर्ष में कौन से वर्ष में आई। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक, हाँ जी, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, 1959 में, कितनी देर बाद तो टेलीविजन की एक्सपेरिमेंटल सर्विस आई, दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप जो कि 1959 में आया था। ठीक है, तो समझ सकते हो भारतवर्ष अभी, मतलब हाल फिलहाल में बहुत आगे बढ़ा। ठीक, चलिए, कंपाउंड यूज इन फोटोग्राफी, बेटा फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, आंसर क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है,
सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, सीरी मतलब बहुत ही ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऐसे कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, ये सब चीजें अलग अलग जगह पे यूज में आ रही है, क्वेश्चन मैं इनके भी करा दूंगा। ठीक है मैंने अभी एक सीरीज और रखी है रात को आठ बजे मैंने इसका फाइनल पार्ट रखा है, चौथा पार्ट जिसमें हम कवर कर लेंगे पूरा। इंडियन रेलवे हैज रीनेम्ड, ठीक है, हावड़ा कालका मेल को क्या नाम दिया है बेटा। इंडियन रेलवे ने हावड़ा कालका मेल, बहुत फेमस है ये मेल, ये ट्रेन एक्सप्रेस, इसको किस नाम से रखा गया। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जिनके नाम से रखा गया वो व्यक्ति भी फेमस है। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन में, सोल्व करो क्वेश्चन को, मतलब आप जितना ज्यादा सोल्व करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्लास पूरी चलेगी अभी एक डेढ़ घंटा। आंसर क्या है बेटा, नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया। गंगा इंडस प्लेन वाइडन, अब देखा फंडा है सिंपल सा, अगर मैं बात करूं ये गंगा नदी जो है ठीक है वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, ठीक है कह लो एग्जाम्पल के तौर पे आगरा और इन सब जगह से होती है वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है। अब ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, अब मुझे बताइए किस तरफ वाइड होती है, ठीक है वाइड कहां से होती है, ईस्ट से वेस्ट वाइड होती है या वेस्ट से ईस्ट वाइड होती है, खुद बताइए आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा अगर मैं बात करूं ना इसकी तो बेटा ये ईस्ट से वेस्ट वाइड होती है, ठीक है ईस्ट से वेस्ट वाइड होती है, जैसे कहने का मतलब ऐसे चलती है गंगा नदी, ठीक है दिमाग है ऐसे चलती है गंगा नदी इस तरीके से, है ना, और ऐसा ही है, बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स इस वर्ष का अपडेटेड करा रहा हूं हर क्वेश्चन, मैं इस सीरीज को क्यों कह रहा हूं कि भाई सीरीज को कंप्लीटली देखो, चौथा पार्ट जो फाइनल होगा रात को 8 बजे इसी चैनल पे होगा वो भी देखो क्यों, उसका कारण ये है कि मैं पूरा अपडेट करा रहा हूं इसमें। अब हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हर बार एक ही देश आगे आता है, हर बार एक ही देश आगे आता है, वो देश कौन सा जल्दी से बताइए, कौन सा देश सबसे आगे रहता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या होगा। ठीक इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जापान है, ठीक है जापान था, जापान है और जापान आगे रहे ना रहे पता नहीं मुझे, ठीक है लेकिन अभी तक अपन लोग इतना ही जानते हैं कि जापान बहुत सालों से जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या बेटा, ये ना कंट्री की जो वीजा स्ट्रेंथ है ना वो दर्शाता है, ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ना कंट्री की वीजा स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इजी से आपको जाने दिया जा सकता है दूसरे देश में। एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, मतलब लेड की वजह से जो जहर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट लेड पॉइजनिंग को हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, पूछा जा सकता है। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है बेटा, एक्यूट लेड पॉइजनिंग को हम क्या कहते हैं, ठीक है प्लूमिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं प्लूमिज्म, ठीक है प्लूमिज्म वर्ड जो हम यूज करते हैं एक्यूट लेस पोजने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील किया इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार, ठीक है पूछा गया कौन से शहर में। अब ये करंट अफेयर है भैया, ये करंट अफेयर तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राइवरलेस मेट्रो कार, ठीक है तो आंसर आ जाना चाहिए। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई, ठीक है मुंबई इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है मुंबई इसका आंसर है, पूछा ड्राइवरलेस मेट्रो कार क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे वैसे, ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, मलेरिया कैन बी क्योर्ड विद अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो छाल में से मिलता है, किसकी छाल में से मिलता है ये ड्रग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आंसर क्या है। किसकी छाल में से मिलता है, ठीक है जो अभी इधर ओक ट्री लिखा हुआ और इधर चिनोन ट्री लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा याद रखिएगा, चिनोन ट्री की छाल में से मिलता है, बार्क में से, बार्क वर्ड याद रखना, कभी कभी ना आपको ये बार्क भी मिल सकता है, छाल मिल सकता है, चिनोन ट्री की छाल, ठीक है इंपोर्टेंट, ओक ट्री नहीं है भैया, ओक ट्री आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन यार तुम गलत कैसे कर रहे हो, ठीक है सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन कह दूं मैं, ठीक है डॉक्टर खराना, ठीक खुराना है बेटा ये क्या है, हर गोविंद खुराना,
हर गोविंद खुराना की बात हो रही है, हर गोविंद खुराना की बात हो रही है, ये किससे संबंधित, ये जो व्यक्ति है हर गोविंद खुराना किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक कमेंट करिएगा हर गोविंद खुराना किससे संबंधित इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर जेनेटिक कोड से, जेनेटिक कोड से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज फार्मर्स एनिमल। ठीक है भाई, कौन सा ऐसा जानवर है जो कहा जाता है कि भाई फार्मर्स का एनिमल, फ्रेंड है, दोस्त है। ठीक है, अब क्या होता है, फार्मर जो होते हैं ना, उनकी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में बहुत सारी फर्टिलिटी प्रोवाइड कराने में काम हेल्प होती है किसकी, अर्थवर्म की, केचुए जो होते हैं, है ना, केचुए जो होते हैं। जब ये वर्ड आपके सामने आ रहा है अर्थवर्म, तो आप डेफिनेटली आप इस वर्ड को देख के, मैं तो कुछ ना सोचो आंसर ये डायरेक्ट लगा दो, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किस डिसीज से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किस डिसीज से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के सारे। ठीक है, सोल्व करो यार, उठाओगे आप क्वेश्चन को, है ना, हम तो आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, उठाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, क्वेश्चन उठाना आपकी जिम्मेदारी है, हम तो आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर इसका आंसर है, सर्वाइकल कैंसर इसका आंसर है। ठीक है, बेटा बेटा पीडीएफ ना मैं आपको बल्क में देने वाला हूं। ठीक है, बल्क में देने वाला हूं। ठीक है, चलो इस चीज की गारंटी लेता हूं कि जो ये वाला पीडीएफ है ना, 1000 क्वेश्चन का, रात को 8 बजे वाली क्लास जो मैंने फाइनल चौथा पार्ट रखा है ना इसका, उसमें दे दूंगा, अश्योरिटी इस चीज की। ठीक है, और हिस्ट्री वाला मैं अभी डलवा दूंगा, हिस्ट्री वाला पीडीएफ मैं सुबह वाली क्लास का डलवा दूंगा, उसी क्लास के लिंक के नीचे। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मिडल ईस्ट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ विच ऑफ द, ठीक है, पीपल मतलब जो मिडल ईस्ट के लोग हैं वो कौन से ग्रुप से संबंधित है, जल्दी से बताइए, मिडल ईस्ट के लोग जो है किस ग्रुप से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, मिडिल ईस्ट के लोग किस ग्रुप से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर है नेग्रो। ठीक है, नेग्रो से संबंधित है, निग्रोस कहा जाता है। ठीक है, आप निग्रोस सुना होगा आपने, है ना। ठीक है, मार्क रूट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किए हैं, पूछा गया, पूरे एंटायर कैबिनेट के साथ रिजाइन किए हैं। ठीक है, खुद भी नहीं गए, सबको लेके गए, बताइए किस कंट्री से। मार्क रूट जो रिजाइन किए हैं, किस कंट्री से रिजाइन किए हैं, जल्दी से बताइएगा बेटा आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आंसर क्या, इस क्वेश्चन है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में सबसे पहला दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज जो है नीदरलैंड में ही, ठीक है, ओपन किया गया था। दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज अगर कभी पूछा जाए, आंसर होगा एम्स्टर्डम। क्या, एम्स्टर्डम आंसर होगा, नीदरलैंड में। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज अगर पूछा, एम्स्टर्डम होगा, नीदरलैंड में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइएगा, सेल्फ पोलिनेशन जो है इसे क्या होगा बेटा, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन से क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है बेटा, याद रखिए आंसर क्या, इस क्वेश्चन है इनब्रीडिंग, इसका आंसर इनब्रीडिंग इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एनिमल जो है वो कौन सा, ये इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या। ठीक है, शुभम बेटा जो आप कह रहे हो ना कि कभी टेस्ट ही लोगे क्या, रेगुलर टॉपिक वाइज कब पढ़ोगे, बेटा आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं, मैंने रात को 10 बजे क्लास लगा रखी है, रेगुलर टॉपिक वाइज होती है, उस क्लास का नाम ही टॉपिक वाइज ही है। ठीक, यू कैन फाइंड सॉल्यूशन 10 बजे, अपना अभी साइंस चल रहा है तो आप टॉपिक वाइज देख सकते हो, है ना बेटा, बोलोगे तभी तो बताएंगे ना आपको कहां पे क्या चल रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू व्हेल है। ठीक है, ब्लू व्हेल इसका आंसर है। ठीक है, ब्लू व्हेल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल जो है लाइट का कौन से कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल लाइट के कौन से कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। क्लोरोफिल लाइट के कौन से कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड को। अब कोई बच्चा ना इधर अगर ऑप्शन में ग्रीन दिया होता ना, बड़ा बड़ी जल्दी आंसर लगाते हो ग्रीन। ठीक है, ग्रीन आंसर नहीं होगा। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा बेटा, यूट्यूब पे ही होती है रात को 10 बजे क्लास, है ना, रात को 10। अभी मैं बायोलॉजी स्टार्ट कराया उधर। ठीक है, ब्लू रेड ग्रीन होता ना, ग्रीन भी मत लगाना बेटा, कंपोनेंट एब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है।
ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, ब्लू रेड इसका आंसर है। हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन द ह्यूमन स्केलेटन, सस्ता सवाल आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक, कितने बोन्स होती है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या, सस्ता सवाल है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है सोल्व करो बेटा, क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या होगा, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा 206 इसका आंसर है, ठीक है 206 इसका आंसर है, ठीक है ठीक है। आंसर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव डैम्पनेस विद अ थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, देखा इसकी इंग्लिश पढ़ के तो बंदा भावुक ही हो जाए जो इसने इंग्लिश बोल दी है, लेकिन अभी हम आसान तरीके से पढ़ें, अगर हम अभी आसान तरीके से पढ़े तो ये क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वैरायटी वाइल्ड लाइफ के बहुत ज्यादा है, मतलब जानवर अलग अलग तरीके के हैं, पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के हैं। अब ये चीज कहां पे पॉसिबल है, पानी हो जहां पे, है ना, एग्जैक्टली जहां पे पानी हो, तराई जोन जहां पे पानी होता है, ठीक है ये चीज पॉसिबल कहां। अब बच्चे खादर और भंगर लगा रहे हो ना, ये गलत है, ठीक है, तराई जोन जस्ट जो है पहाड़ों के नीचे होता है और वहीं पे सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है इन सब चीजों की, ठीक है, पहाड़ तराई मतलब पानी, ठीक है पानी जो है, एग्जैक्टली तराई का मतलब पानी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या बेटा, जो पेंडुलम है, क्लॉक पेंडुलम जो होता है इस तरीके से ऐसे मूव करता है लाइक दिस एंड दिस एंड दिस ऐसे, और ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन होता है, आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया, शेयर करो यार मैक्सिमम बढ़िया तरीके से, गजब शेयरिंग करो बढ़िया। ठीक है आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वाइब्रेटरी मोशन इसके आंसर है, ठीक है वाइब्रेटरी मोशन जो है इसका आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर, सुना है गोवा के चीफ मिनिस्टर थे हमारे ऑफ द रिकॉर्ड, इसके ऑथर कौन है जल्दी से बताइए, ठीक है मनोहर पारिकर जो है, ठीक है ये ऑफ द रिकॉर्ड ये जो बुक है ये किसने लिखी जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है सर आप रेस्ट नहीं करते, हाँ बेटा रेस्ट से याद आया, मैंने इसके बाद जस्ट क्लास रखी है अनअकैडमी, ठीक है मजेदार क्लास, जो हमारा रह गया था ना कंटेंट वो आज पूरा हो जाएगा, ठीक है मैं आपको बताऊं मेरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होके दे रहे, मैं 3-3 घंटे यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, क्यों नहीं होके दे रहे, एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ठीक है लेकिन मैं आज कंप्लीट कर दूंगा इतनी गारंटी देता हूं सारे क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या है, वमान सुब प्रभु इसका आंसर है, ठीक है दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ द किंग करेवाला ऑफ कलिंग वास, बताइएगा, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कैपिटल ऑफ किंग करेवाला ऑफ कलिंग, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर है इस क्वेश्चन का देवर, वैसे तो मैं इसके नाम से ही जाऊं कलिंग और कलिंगारा, ठीक है नाम से ही सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम से ही आसान लग रहे हैं, है ना, ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, भाई इस बार ना इनवाइट किया गया था लेकिन ये आए नहीं, बताइए कौन, ठीक कोरोना वायरस का कह रहे हैं, ठीक है इन्हें इनवाइट किया गया था पर ये आए नहीं, बताइए कौन, कमेंट करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के ही माने जाएंगे क्योंकि इस बार के इनवाइट किए हुए पे भी नहीं आए, बताइए कौन, अच्छा क्वेश्चन है यार आ सकता है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, आंसर क्या है बेटा, ठीक है नाम पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जॉय बिटन को थोड़ी बुलाएंगे, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन दिखाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। यूजफुल पार्ट ऑफ निकोटीना, ठीक है निकोटीना जो है उसका जो यूजफुल पार्ट होता है, जो मतलब कंज्यूमेबल पार्ट है वो कौन सा होता है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है कंज्यूमेबल पार्ट कौन सा होता है, लीफ पत्ते, ठीक है पत्ते जो होते हैं कंज्यूमेबल पार्ट होता है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राइन किसका सॉल्यूशन है, कमेंट करिएगा ब्राइन किसका सॉल्यूशन, जल्दी से बताइए ब्राइन किसका सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है सोल्व करो ब्राइन किसका सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा याद रखिए सोडियम क्लोराइड इन वॉटर, ठीक है सोडियम क्लोराइड इन वॉटर का सॉल्यूशन है ब्राइन, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिए, मैन हैज डैश पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है खतरनाक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि हमारे इंसानों में कितने सलाइवरी ग्लैंड के पेयर होते हैं। मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। हमारे इंसान में, हम इंसानों में कितने तरीके के बेटा, हर एक देखो अभी याद रखना एक चीज, ये क्लास 1 बजे, ये आज लास्ट हो रही है इस वक्त इस टाइमिंग पे 1 बजे। मेरी सारी क्लासेस की टाइमिंग जो है रात को 10 बजे की होती है। कितने बजे की? रात को 10 बजे की, ठीक है बेटा। कल से अगर जुड़ोगे तो रात को 10 बजे जुड़ना और शाम को 5 बजे, ठीक है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि 1 बजे क्लास होगी रेगुलर बेसिस पे। ये मैं संडे को ले रहा हूँ, सैटरडे को ले रहा हूँ, लेकिन मेरी रेगुलर क्लास 5 और 10 बजे होती है पूरे वीकडेज। तो भूलना मत 5 बजे और 10 बजे। आज भी 5 बजे और 10 बजे क्लास रखी है मैंने, इसलिए कि अब आप शिफ्ट करके 5 से 10 पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन का 3 इसका आंसर है, ठीक है। 3 इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो लेड किसकी तरह काम करता है, जल्दी से बताइए। लेड बिहेव्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है, ठीक है, बताइए लेड किसकी तरह बिहेव करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सोल्व करो बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोल्व करो, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है लेड ना, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। एक और क्वेश्चन देखो, ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, कुछ नहीं है लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किसके हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पौंडीचेरी इसका आंसर है, ठीक है, पौंडीचेरी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया कि नेशनल यूथ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन में से एक हो गया है ना ये क्वेश्चन, तो कि भाई नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन, 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। सैडियस सैपरोव Has been elected as the president of which of the following country? कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, जल्दी से देखें। सैडियस स्वरूप जो है किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन अगर आप जितने भी हैं जो मैं आपको इस समय करा रहा हूं, बहुत काम के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कवर कर लो आज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान इसका आंसर है, किर्गिस्तान के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, नए नए क्वेश्चन है सारे, है ना, ठीक है। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्ट जीडीपी ऑफ इंडिया एज पर द आईसीआर, बेटा आईसीआर के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का जीडीपी कितना प्रोजेक्टेड है, कितना, और लेटेस्ट है इस वर्ष का पूछ रहा है, 21-22 का पूछ रहा है, तो इस वर्ष का पूछ रहा है, तो इस वर्ष का तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। इस वर्ष का पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10.1% इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेम द विनर ऑफ योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट, बहुत लंबा दे दिया टूर्नामेंट, इसी साल का हुआ है, अभी हुआ है जनवरी फरवरी में, बताइए कौन विनर रहे इसके, जल्दी से बताएं, ठीक है, योनेक्स के विनर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा, याद रखिए योनेक्स के विनर कौन रहे, ठीक है, विक्टोर एलेक्सन इसका आंसर है, विक्टोर एलेक्सन इसका आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो जो स्किन के सरफेस पे फैट प्रेजेंट होता है ना, ये किसके बैरियर की तरह काम करता है, मतलब वो किस चीज को रोकता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, देना पड़ेगा निपुण आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके आंसर दिए भी तो हम चीजों को आगे करेंगे ना, ठीक है, आंसर दोगे क्या फायदा फिर। देखो स्किन के ऊपर जो फैट होता है ना, वो हीट को लोस होने से, मतलब हीट को जाने से रोकता है, कि मतलब हीट खत्म ना हो शरीर में, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है ये, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है ये हमारे शरीर का, जो इसी की वजह से होता है। हां जी बताइए, व्हाट इज द, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ श्री तुरलपति,
ठीक है, कुंदमा राव, ठीक है, जो रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई, इनका जो प्रोफेशन था ये किस फील्ड से संबंधित है, इनका फील्ड क्या था, जल्दी से बताइए इनका फील्ड क्या था, ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनका फील्ड क्या था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व, इंडियन आर्मी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सोल्व करो बेटा, इंडियन आर्मी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, 15 जनवरी इसका आंसर है, क्या इसका आंसर है, 15 जनवरी इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, याद रखना, हमेशा कहता हूं जब भी पढ़ो 2 घंटे पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट को, अभी मैं आपको एक अनअकैडमी की क्लास दूंगा, इस क्लास को जस्ट एंड करते ही 2:15 पे कंटिन्यूटी में मजा आ जाएगा पढ़ के भी, है ना। एशिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कौन सा है, जल्दी से बताएगा, एशिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, एशिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कौन सा है, आंसर है जापान, ठीक है, ऑब्वियसली यार जापान इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ऑफ एशिया, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर के, नील शेहान एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट और ऑथर रहे हैं, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री, कौन से देश से थे, जल्दी से बताइएगा, नील शेहान जो है किस देश से थे, कमेंट करिए, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि हमें कुछ लोगों के नाम पता करने पड़ेंगे, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट इसका आंसर है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, आंसर इसका ये, इन कैक्टस द स्पाइंस आर मॉडिफाइड, कैक्टस के अंदर जो रेगिस्तान ज़ेरोफाइट्स होते हैं, है ना, उसमें जो स्पाइंस होते हैं ना वो किसका फॉर्म है बताइए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाओ तो सोल्व कर पाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो अच्छे से सोल्व कर पाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बेसिक है यार, देखो ना क्या है कि अपन लोग क्या है इसका, कैक्टस लीव के थ्रू करता है जो कुछ करता है, ठीक है, उसके जो स्पाइंस होते हैं ना उसी के थ्रू होता है सब कुछ, एक और क्वेश्चन देखिएगा, चितेल कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी, चितेल कमेटी किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चितेल कमेटी किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, देखो अब चितेल कमेटी की अगर मैं बात करूं तो ये वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा बनाई, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, किसके द्वारा बनाई, तो इसके द्वारा बनाएगी, एक और क्वेश्चन देखिए, मेटेलिक पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो मेटेलिक पार्ट है वो कौन सा होता है, मतलब हमारे हीमोग्लोबिन में मेटल कौन सा होता है, सिंपल ये कह रहा है, ठीक है, ये तो बता सकते हो, आसान लग रहा है मुझे क्वेश्चन की, भाई ह्यूमन जो ह्यूमन ग्लोबिन है उसमें मेटल कौन सा होता है, है ना, ब्लड में क्या मेटल होता है, सिंपल सी बात है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आयरन इसका आंसर है, पूछा जा सकता था, ठीक है, और पूछा जा सकता है, ठीक है, आएगा, ये नहीं कर रहे अभी क्वेश्चन बेटा, याद रखना, हाँ अपना ये मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं, मेरी रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग शाम को 5 बजे है और रात को 10 बजे है, तो आप 5 बजे आइएगा, ठीक है, मतलब आप इस क्लास को मैं सिर्फ आज करा रहा हूं 1 बजे, उसके बाद अदरवाइज 1 बजे क्लास नहीं होगी, वीक डेज में 1 बजे क्लास नहीं होगी, वीकेंड्स में होती है, इस क्लास को शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग 5 और 10 बजे पे, ठीक है, तो 5 और 10 बजे आइए, आज ही 5 बजे जुड़ जाना कि आपकी हैबिट बन जाए, आप अगर मेरे से कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो। जापान टॉप पे रहा, मैंने आपको अभी बताया हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में इसी साल के, ठीक है, जो इस साल का, इंडिया कौन से रैंक पे था ये भी बताओ, ठीक है, इंडिया की पासपोर्ट वैल्यू जो है कितनी स्ट्रेंथ पे, जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 85 इसका आंसर है, ठीक है, 85 इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज इट्स सीड्स आउटसाइड, कौन सा फल होता है जिसके जो बीज होते हैं ना वो बाहर की तरफ होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा फ्रूट होता है ना जिसके जो बीज होते हैं ना वो बाहर की तरफ होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, स्ट्रॉबेरी इसका आंसर है, स्ट्रॉबेरी इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, मतलब माइक्रो मतलब सबसे कम मात्रा में चाहिए,
देखो सी ओ एन एच, ये ऐसे हैं जो बहुत मात्रा में चाहिए, ये मैक्रो हैं। ये क्या है? मैक्रो है, मतलब ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो भाई ना तो सी होगा, ना तो ओ होगा, ना तो एन होगा, इवन एच होता तो वो भी नहीं होगा। बच गया क्या? बोरोन। बोरोन कम मात्रा में चाहिए, तो बोरोन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करेगा, ठीक है, सारे के सारे बोरोन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एनवायरमेंट फ्रेंडली से रिलेटेड आर कौन कौन, बेसिक क्वेश्चन है कि आर क्या क्या कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आर कौन कौन से होते हैं, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या इसका? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इस वर्ष का, मतलब जो इस साल का कह सकते हैं, ठीक है, इसका पहला एडिशन हुआ या दूसरा एडिशन हुआ, मतलब इसी साल बनाया गया या इससे पहले भी बना चुके हैं, पता है? नेशनल रोड सेफ्टी मंथ फर्स्ट एडिशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है इस साल का, कमेंट करिए। अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? फर्स्ट, पहला एडिशन है ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है ये पहला एडिशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। इसमें से कौन सा कॉमन एंड प्रोडक्ट है एन एरोबिक रेस्पिरेशन का? ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन एंड प्रोडक्ट कौन सा है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, आंसर इस क्वेश्चन का लैक्टिक एसिड, यार कॉमन तो एंड प्रोडक्ट यही है। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई कॉमन एंड प्रोडक्ट के साथ मैंने बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर लगाया था कईयों ने। ठीक है, अभी ये कॉमन एंड प्रोडक्ट पूछ रहा, बाय प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, एंड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में फर्क हुआ ना। हाँ जी, एक्सक्रीट यूरिक एसिड, कौन सा एनिमल है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा, कंटिन्यूटी बनाओ, आज मैं आपको दोबारा अन अकेडमी पे, जो मैंने जैसे कल पढ़ाया था आज भी दोबारा अन अकेडमी पढ़ाने वाला हूँ इसी क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, दो घंटे तो पढ़ो एटलीस्ट, यार मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, आंसर इज लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड इसका आंसर, आई हेट दिस। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? ये नहीं कर रहा क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, जो सन की रेडिएशन है ये अर्थ तक नहीं आती, ठीक है, क्योंकि अर्थ किससे सराउंडेड, मतलब यूवी रेस अर्थ तक नहीं आती, उसका कारण क्या है, मतलब किसकी सेफ्टी है, कौन इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, आने से रोकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन आने से रोकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट देखते हैं ओजोन लग जाना चाहिए आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, बताइए कैरेट जो है किस विटामिन का रिच सोर्स है, जल्दी से बताइए। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो है कैरेट किस विटामिन में होता है, आंसर के विटामिन ए में। ठीक है, विटामिन ए में। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ह्यूमन कलर का जो मतलब रेड ब्लड में जो ह्यूमन रंग होता है लाल क्यों होता है, बताइए ब्लड का कलर लाल होने का कारण क्या हुआ, जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, कभी समय मिले तो यूट्यूब पे इंडियन पॉलिटी जरूर सर्च करना, बहुत मेहनत से मैंने ये कंटेंट आपके लिए बनाया है। ठीक है, फिच रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड जीडीपी, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का पूछ रहा, मतलब यानी कि लेटेस्ट है, तो बताइए फिच के हिसाब से जीडीपी इंडिया का कितना है प्रोजेक्टेड, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, फिच के हिसाब से कितना है, ठीक है, अपना जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कितना ग्रो करेगा। ठीक है बेटा, रितिका शर्मा, एक तो ना एक यूथ को कभी भी दोपहर को ये नहीं कहना चाहिए नींद आ रही है, ठीक है, लिटरली पढ़ाई तो आपको रात को भी करनी चाहिए, दोपहर को तो नींद आने की बात ही नहीं बनती। ठीक है, मैं तो ये कहूं, ठीक है, फुल एनर्जी रहनी चाहिए, 11% इसका आंसर है। ठीक है, 11% बी या एंटीबॉडी, ठीक है, सिंपल सी बात है, इस समय मैं आपको कहूंगा अपने शरीर को ऐसा मतलब अपने माइंड में रखो कि
हम थके हुए नहीं है, एनर्जी रखो तो अपने आप हर चीज से बचोगे, इवन कोरोना से भी बच जाओगे। ठीक है, माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ भाई हेल्थी है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, और जब हेल्थी रहोगे तो पढ़ने का मन करेगा ही। मैं तो अभी पढ़ाऊंगा, ऊपर मैंने क्लास का लिंक लगा, मैं तो रेगुलर पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, आपको पढ़ना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ऋतिका शर्मा को आ रही है नींद। ठीक है, यूरिया इसका आंसर है बेटा, लीवर। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लीवर यूरिया का प्रोडक्शन करता है, आसान क्वेश्चन। हाँ जी, डाइजेस्टिव एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें से कौन सा है जो किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करता, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो सेक्रेट नहीं करता कौन सा? लीवर नहीं करता। लीवर का काम है सेक्रीशन ऑफ यूरिया, मेकिंग एसिडिक, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कराना, इतना इमल्सिफिकेशन कराना। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन, आर मेजर फूड फाइबर मसाले फ्रूट बेवरेजेस क्रॉप्स आर, बेटा जो भी हम खाते पीते हैं, ये फूड हो गया, फाइबर फ्रूट्स और बेवरेजेस हो गया, ये कौन सी कैटेगरी में, बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पूछनी है इसमें, अगर सोचोगे तो गलत लगेगा, फिर नहीं आंसर आएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, सोचोगे तो फिर गलत आंसर आएगा। आंसर इसका फ्लावरिंग प्लांट है, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, है ना, फूड कुछ भी खा रहे हैं और ज्यादातर वो फ्लावरिंग प्लांट से बनता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कौन खा रहा है भाई, जिम्नोस्पर्म कौन खा रहा है, दिक्कत हो जाएगी ये सब खाओगे तो। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स खाते हैं, ये सब चीजें फ्लावरिंग प्लांट्स के बनते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, कौन से विटामिन की कमी की वजह से ब्लड जो है ना होता है, जल्दी से होता है इस क्वेश्चन का आंसर। गम्स ब्लीडिंग होती है, कमेंट करें। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन सी इसका आंसर। ब्लीडिंग फ्रॉम द गम इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, क्वेश्चन, हॉर्मोन्स आर कैरीड फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर हॉर्मोन इधर प्रोड्यूस हुआ, मतलब मान लो किसी ग्रंथि में प्रोड्यूस हुआ, पेशिका ग्रंथि में प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद उसको पूरे शरीर में लेके जाना, क्योंकि डेवलपमेंट हॉर्मोन है, हर जगह डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो भाई ये किसके थ्रू होता है, बताइए किसके थ्रू होता है? हॉर्मोन प्रोड्यूस ग्रंथि में होता है और पूरे शरीर में कैसे जाता है, जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखें आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है, ब्लड की वजह से, ठीक है, ड्यू टू ब्लड। ठीक है, ड्यू टू ब्लड इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। इन प्लांट वॉटर इज कैरिड अपवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्लांट में जो पानी जो ऊपर की तरफ जाता है वो किसके थ्रू जाता है, बताइए। बड़ा आसान है, प्लांट वॉटर की बात आए तो एक ही होता है, जल होता है। ठीक, जल होता है, जल क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल क्या होता है ना, जल क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन है, जल इज जाइलम, जल इज जाइलम होता है। ठीक है, दिमाग रखें बेटा, जो भी बच्चा देख रहा है, मेरी रेगुलर क्लास 1 बजे नहीं होगी कल से, ठीक है, 5 बजे होगी कल से, तो मतलब आज भी 5 बजे ही है, तो आप हैबिट बना लो कि आज एफर्ट मार के आप 5 बजे और 10 बजे वाली रेगुलर क्लास में आ जाओ, आज एफर्ट मार लो। ठीक है, 5 बजे लूसेंट और 10 बजे अपनी जो रेगुलर क्लास होती है, ठीक है, एक तर लेना, 5 बजे भी क्लास होगी मेरी तरफ से जो होती है रेगुलर क्लास। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट मोरेन किंग, कौन से निम्नलिखित में से लास्ट मोरेन किंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। ठीक, कौन से लास्ट मोरेन किंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, लास्ट मोरेन किंग आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बृहद्रथा इसका आंसर है भाई, और भी मत लगाना, अशोका लास्ट मोरेन किंग का आंसर हो गया, अशोका ने कईयों को लास्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई समझ रहे हो ना, बृहद्रथा इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करेगा। विच माउंटेन क्लाइंबर इज नोन एज स्नो लेपर्ड, कौन से माउंटेन क्लाइंबर रहे हैं, ठीक है, जो हिम तेंदुआ कहा जाता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, किसे कहा जाता है स्नो लेपर्ड, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, एंजरीटा, ठीक है, सेप्रा,
ठीक है एंजिटा साहब का इसका आंसर डायबिटीज इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर क्या है डायबिटीज इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या इस क्वेश्चन का यार देखो डायबिटीज होती है जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है ना, शुगर होता है ना मधुमेह जिसे अगर कहें भाई बंदे को डायबिटीज हो गया तो किस वजह से होगा, शुगर की कम इंसुलिन की कमी है तभी तो होगा, फॉल इन इंसुलिन है या इंक्रीज इन इंसुलिन है बताइए बस इतना सा बता दो, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर फॉल इन इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है इंसुलिन की कमी होती है अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है इंसुलिन की कमी होती है अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विच रीजन सांची स्तूपा इज रिलेटेड बताइए मतलब कौन सांची स्तूपा कौन से धर्म से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी समझे कौन से धर्म से संबंधित है, ठीक है आंसर क्या है बेटा सांची स्तूपा ऑब्वियसली सांची स्तूपा बौद्ध धर्म से संबंधित बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत की बात पे कुछ बच्चे जैन भी लगा देते हैं, गलती यहां पर होती सांची स्तूपा कहां पे मध्य प्रदेश और इन सब जगह के क्वेश्चन तो आते ही है, ठीक है तो सांची स्तूपा पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है पूछा आ सकता है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन वर रिटन इन देखा जो बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए जल्दी से बताइए, भाषा नहीं कह रहा इधर है ना स्क्रिप्ट कह रहा है एग्जैक्टली है ना स्क्रिप्ट है ये सब, तो बताइए कौन से स्क्रिप्ट में लिखे गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखे गए जल्दी से बताइए, ठीक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोल्व करिए पूरा कंटिन्यूटी बनाओगे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है आंसर पाली, ठीक है पाली इसका आंसर है, ठीक है दिमाग करें पाली इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है चलिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेप्टर अलॉय, बताइए इसमें से कौन सा पेप्टर अलॉय का मेन कंस्टिट्यूएंट है जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टर अलॉय का मेन कंस्टिट्यूएंट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर टेनिस का आंसर है, ठीक है टेनिस का आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टेस्ला इन ठीक हैज रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट फुली ओन सब्सिडरी इन विच सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है टेस्ला इन ने अपना जो इंडिया में सब्सिडरी जो है ओन किया है रजिस्टर किया वो किसमें किया कौन से शहर में किया, टेस्ला आप सभी जानते हैं बहुत बड़ी कंपनियों में से एक हो रही है, ठीक है सोल्व करो बेटा आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त आंसर क्या है इस क्वेश्चन का याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेंगलोर इसका आंसर सस्ता सवाल है, एक और क्वेश्चन देखिएगा माता प्रसाद ठीक है इनकी मृत्यु 95th एज में हुई, ठीक है और ये फॉर्मर गवर्नर है किस राज्य के, माता प्रसाद किस राज्य के गवर्नर रह चुके राज्यपाल रह चुके जल्दी से कौन से राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है प्रोबेबली आपको पूछा जा सकता है बिचरी के क्वेश्चन में है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश के माता प्रसाद जो है ठीक है गवर्नर रह चुके हैं राज्यपाल रह चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन में से एक है पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन उठाओ एक और क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है देखो यार अगर मैं कहूँ ओरा क्रेडिट्स जो कार्ड है ये हेल्थ वेलनेस के बेनिफिट के लिए लॉन्च किया है किस बैंक ने लॉन्च किया जल्दी से देगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ओरा क्रेडिट कार्ड हेल्थ बेनिफिट्स के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है, आसान है क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है सोल्व करना है आप ही को, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा अच्छा क्वेश्चन है आंसर है एक्सिस बैंक, ठीक है बढ़ती का नाम जिंदगी है ना ऐसा कुछ है क्या एक्सिस बैंक का टैगलाइन कुछ ऐसा ही है बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है टैगलाइन का भी पढ़ के देखना बैंक की मजा आ जाएगा, ठीक है इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21 विद विच कंट्रीज नेवी, कौन से देश की नेवी के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है इसे ठीक है ऑर्गेनाइज किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है एक्स डेजर्ट नाइट 21 किसके साथ ऑर्गेनाइज किया किस नेवी किस देश की नेवी के साथ मिल गया बता सोल्व करो आंसर क्या बेटा कंटिन्यूटी बनाना जो बच्चा देख रहा है इस ऊपर जो लिंक दे रखा है ना ये अभी मैंने पता है एग्जैक्ट टाइम भी बता देता हूँ 2:15 की क्लास रखी है मतलब 2:15 पे क्लास रखी है ये अभी मतलब इसी क्लास के कंटिन्यूएशन में पढ़ाऊंगा जब आपको अनलॉक करने के लिए फ्री क्लास है आप जब फ्री क्लास में एंटर करोगे लाइव अमन रेफर कोड लगाना आप देखना क्वेश्चन बैंक कितना बढ़िया है ठीक है लाइव अमन रेफर कोड लगाना और जुड़ना ठीक है 2:15 पे एक क्लास होगी ठीक है मिस मत करना कोई सा भी
उस रेफर कोड को यूज करके। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? फ्रांस इसका आंसर है। कट गया नीचे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन कट गया नीचे, फ्रांस इसका आंसर है बेटा, ठीक है। ये चीज देख के बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को ऑप्शन ही नहीं मिला और बच्चों ने फिर भी आंसर लगा दिया, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ वॉचिंग, ठीक है। ये भैया फ्रांस ऑप्शन में नहीं दे रखा, फिर भी सही आंसर बता दिया, गुड। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ है, जल्दी से बताएगा, बता इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये कौन सा लॉ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जैसे आपसे पूछा जाता ना लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, ये सब, जो है लॉ ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट दे रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दे रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, टीसीटीसी फ्लाई इज द वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वेक्टर है किसी, मतलब ये किस बीमारी को लेके जाता है और फिर दूसरे व्यक्ति को दे जाता है, ठीक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सॉल्व करो। टीसीटीसी फ्लाई इज द वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सोल्व करो यार, बड़ी जल्दी बताओ आंसर। ठीक है, चलो आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, ट्राइपरसोमा इसका आंसर है, ट्राइपरसोमा इसका आंसर है। अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है। देखिए किताब के ऑथर कौन है, ठीक है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स, स्किप मारूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बताइए हूज जर्नल्स आर, ठीक है, बाद में करते हैं, ठीक है। बताइए हार्मोन डेट कंटेन आयोडीन, जल्दी से बताइए कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा हार्मोन है बेटा जिसमें आयोडीन होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है। बेटा मैं आपकी क्लास को ना एक्सट्रीम लेके जा रहा हूं, एक आपका ना पढ़ने की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जितनी क्लासेस लेता हूं मेरे अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है क्योंकि मैं पढ़ता भी इतना ही हूं, 12-12 घंटे, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना जरूरी है, आप 2 घंटे लगातार पढ़ के देख लो, बस कर दोगे तो समझ लेना, ठीक है, मेहनत नहीं कर सकते जरा भी, ठीक है। आंसर थायरोक्सिन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, थायरोक्सिन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, यूनिट ऑफ पावर इन एसआई, भाई पावर की यूनिट क्या होगी, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, पावर की यूनिट क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जूल पर सेकंड इसका आंसर है, ठीक है, जूल पर सेकंड इसका आंसर है। अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। फिच की रेटिंग है, लास्ट ईयर के छोड़ेंगे क्योंकि हमने अपडेटेड पढ़ लिया तो लास्ट ईयर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रेफर कोड है लाइव अमन, इससे आप मेरी फ्री क्लास को भी नोटिफाई करेंगे और मेरे पेड कोर्स भी आपको इसी से मिल सकते हैं, रेफर कोड लाइव अमन, ठीक है। ऑफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, कौन से एनिमल की स्टडी को हम ऑफियोलॉजी कहते हैं, जल्दी से बताएं, ठीक है, कौन से एनिमल की स्टडी को हम ऑफियोलॉजी कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्नेक इसका आंसर है, ठीक है, सांप, ठीक है, स्नेक की स्टडी को हम कहते हैं ऑफियोलॉजी। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली देखो यार जहां पे जल है वहां पे जाइलम है, बस इतना सही करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, जल से जाइलम रखना है हमें आंसर, दिमाग में रखो, फूड से फ्लोएम है और जल से जाइलम है, बस इतना, उसी से हमारा क्वेश्चन बन गया, रूट्स ऑफ द प्लांट आंसर क्या है, जाइलम, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर विच पार्ट ऑफ एलिफेंट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट टीथ, मतलब हमारे जो हाथी साहब होते हैं उनके शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो कि एलिफेंट टीथ में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हाथी के दिखाने और खाने की ओर, ठीक है, बताइए आंसर क्या है उस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ना, कभी समय मिले YouTube पे इंडियन क्वालिटी जरूर सर्च करना, मेरी रेगुलर क्लास आज जो है आज से स्टार्ट हो रही है शाम को 5 बजे, आप इसी रेगुलर क्लास में आए क्योंकि मैं कल से 1 बजे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे में क्लास लगाई थी मैंने इधर, रेगुलर मैं शाम को 5 बजे ही पढ़ाता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है, आज भी पढ़ाऊंगा 5 बजे, ठीक है। सेकेंडरी टीथ इसका आंसर है, ठीक है, सेकेंडरी टीथ इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बताइए, हाँ जी भाई, पोटैटो की भी आंखें होती है और सुनो, ठीक है, आईज ऑफ द पोटैटो आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करिए, आपने कभी देखा पोटैटो कुछ इस तरीके से, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आईज ऑफ द पोटैटो आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कंट्रोल बाय, देखो फोटोट्रॉपिक क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं ना वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, सूरज जिस तरफ रोशनी फेंकेगा उसी तरफ पत्तों की डायरेक्शन होती है, ये फोटोट्रॉपिक जो है जो मूवमेंट है। अब ये किस किस हार्मोन से कंट्रोल होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑक्सिन इसका आंसर, ठीक है, ऑक्सिन इसका आंसर है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल। एक और क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी ने 200 मिलियन यूएस डॉलर का जो आइडिया फोर्स किया टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूएवी, ठीक है, अन ठीक है आर्म्ड, ठीक है, व्हीकल जो परचेज किया वो कौन सा, जल्दी से बताइएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा, जल्दी से, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका नहीं लेकिन इंडियन आर्मी ने परचेज किया, बताइए कौन सा यूएवी, आंसर क्या इस क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, सोल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है स्विच, ठीक है, स्विच इसका आंसर है, ठीक है, यूए यूएवी का नाम है, ठीक है, दिमाग में, गुड आफ्टरनून डियर अर्पिता त्रिपाठी, ठीक है। विश्वरी अहुजा रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विश्ववीर अहुजा जो है कौन से बैंक के एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिएगा, ठीक है, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आरबीएल बैंक इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखें। What was the profession of Padma Award winner V. Sanhata? ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनका एग्जैक्टली प्रोफेशन क्या था, ठीक है, V. Sanhata, अगर आप किसी को बताओ, वैसे इसमें तुक्का लगने वाला है, ठीक है, जल्दी सर, बेटा आप जो बच्चा कह रहे हैं कि क्लास कब कब होती है, मेरी नेक्स्ट यूट्यूब क्लास जो रेगुलर क्लास होती है वो 5 बजे होगी, 1 बजे नहीं होगी, 5 बजे अभी जुड़िएगा यूट्यूब पे, और अन अकेडमिक क्लास में अभी स्टार्ट करा रहा हूँ, इस क्लास के एंड होते 2:15 पे स्टार्ट करूंगा अन अकेडमिक क्लास, सारे जुड़ने इस लिंक को ओपन करके, इस रेफर कोड को यूज करके, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, बताइए फर्स्ट एवर लेबर मूवमेंट म्यूजियम सेटअप किया कौन से शहर में, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला लेबर मूवमेंट कौन म्यूजियम जो है कौन से देश में जो है, हमारे देश में कौन से शहर में सेटअप किया गया, जल्दी से बताइए, पहला लेबर म्यूजियम, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है, अलपुजा इसका आंसर है, ठीक है, अलपुजा इसका आंसर है, फर्स्ट एवर लेबर म्यूजियम जो बनाया गया, विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कलराव एट द नेगी काती बर्ड सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट एवर जो बर्ड फेस्टिवल कलराव जो बनाया गया नेगी काती बर्ड सेंचुरी में, ये कौन सी स्टेट में, ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और आपको आंसर भी टिपिकली मिलेगा, देखना इसका आंसर क्या है, यूनिक ही आंसर है इसका, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलो आंसर क्या है, डन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर बिहार, ठीक है, यूनिक हुआ, बिहार में सोचते हैं कि भाई बर्ड सेंचुरी बर्ड फेस्टिवल कैसे होगा, ठीक है, बिहार ही इसका आंसर है, ठीक है, बिहार ही इसका आंसर है। ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किस कंडीशन में ज्यादा बढ़ती है, ठीक, किस कंडीशन में बढ़ जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, मैं आपको 15 मिनट दूंगा इस क्लास के एंड होते ही, ठीक, 2:15 पे स्टार्ट करूंगा एग्जैक्टली क्लास को, नेक्स्ट क्लास को, अन अकेडमी वाली क्लास को, हॉट ड्राई विंडी कंडीशन, इस क्वेश्चन का आंसर, एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए रिवर दामोदर कहां पे जाके खत्म होती है, बताइए दामोदर नदी कहां पे खत्म होती है, जल्दी से बताइए रिवर दामोदर कहां पे जाके खत्म होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कहां पे, रिवर हुगली में, ठीक है, हुगली में, ठीक है, दामोदर नदी हुगली में खत्म होती है, एक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो पहला बौद्ध परिषद जो है कहां पे हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, पहला दूसरा आरबीपीके है, सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन बताओ पहला कहां पे हुआ था, जल्दी से, आरबीपीके, ठीक है, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर,
ठीक है, आरवीपी के एके एमएसएमई आंसर के राजगृह इसका आंसर है, ठीक है राजगृह इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो, सोल्व करो। बुक टाइटल मेकिंग ऑफ अ जर्नल जर्नल अ हिमालय इको, ये कौन से इंडियन आर्मी ऑफिसर का जो है ना, ठीक है याद में बनाएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है हाँ जी स्मरण में बनाया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए। थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, जो मुश्किल है वो देखने से पता चल जाता है, हाँ भाई मुश्किल है, ठीक है कौन सा हिमालय सिंह, ठीक है अब समझ सकते हैं इनके नाम में हिमालय है ना, चलो ग्रेट, ये नहीं करना। नॉन ग्रीन हिटरोट्रॉपिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम, देखो यार हिटरोट्रॉपिक है नॉन ग्रीन है प्लांट किंगडम में इन्हें क्या कहा जाता है कमेंट करिए, ठीक है हाँ बेटा बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शाम को 5 बजे जुड़े सारे, हर एक बच्चा शाम को 5 बजे जुड़े, ये मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, ठीक कल से 1 बजे ना जुड़े, मैं पढ़ाऊंगा नहीं 1 बजे, 5 बजे पढ़ाऊंगा और आज भी 5 बजे स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, फंजाइस का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अपना रेजिंग डे जो इस बार बनाया 2021 का बनाया 19 जनवरी को है ना, 19 जनवरी को रेजिंग डे नेशनल डिजास्टर एनडीआरएफ का कौन सा एडिशन बनाया, जल्दी से देख कौन सा एडिशन बनाया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक कौन सा एडिशन बनाया, देखो मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको अनअकैडमी में मिलूंगा 2:15 पे। आंसर ये है बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे सेलिब्रेट्स एवरी ईयर किस दिन, बताइए किस दिन होता है वर्ल्ड फार्मेसिस्ट जो डे है वो किस दिन, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 25 सितंबर है ना, अच्छा क्वेश्चन बताइए, फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद अनअकैडमी पे 2:15 पे क्लास है, तो बस आप लिंक ओपन करके रखिए, इतनी देर में पहुंच रहा हूं, ठीक है इस रेफर कोड यूज करिए, और दूसरा 5 बजे यूट्यूब पे आइएगा इसी चैनल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन प्रोटीन, फाइनल क्वेश्चन आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अमीनो एसिड प्रोटीन का प्रोडक्ट होता है। तो जो भी बच्चा देख रहा है आपकी 15 मिनट में अनअकैडमी पे क्लास स्टार्ट करा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2 घंटे पढ़ने की हैबिट तो डालो, पेपर भी होता है यार 2 घंटे का, तो उससे कम क्या लोगे, लिंक ऊपर दे रखा है चैट बॉक्स पे, इस रेफर कोड को यूज करके एंटर करके ना क्लास में बैठ जाओ जाके, मतलब ऑनलाइन बैठ जाओ, ठीक है और मैं आ रहा हूं 5-10 मिनट में, ठीक है क्योंकि मुझे इधर से एंड करना पड़ेगा, और मेरी जो रेगुलर क्लास है वो 1 बजे नहीं होती, मैं 5 बजे लूसेंट लाइव कर रहा हूं, तो आप 5 बजे इसी चैनल पे आज ही पहुंच जाना, क्योंकि मैं आज ही स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है नोटिफिकेशन आए या ना आए वाईफाई स्टडी सर्च करो, 5 बजे ये क्लास मिलेगी आपको, ठीक आपको हर एग्जाम के लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी हर एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अभी अनअकैडमी पे, ठीक है 5 बजे का अपना ये लूसेंट होगा आज, इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है आप अनअकैडमी की फ्री क्लास को इस रेफर कोड को यूज करके जुड़िए लाइव अमन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है ना इस समय इसी रेफर कोड पे आपको मिल रहा है कि 10% डिस्काउंट तो है ही है, 2 साल पे 4 मंथ और 1 साल पे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ये चीज कर लेना, इसी रेफर कोड पे मेरी फ्री क्लास भी एंटर ओपन होती है और मेरी ठीक प्लस कोर्सेज में, क्योंकि ये कोर्स बैच लाइव हो रहा है 28 अप्रैल को, तो आप 28 अप्रैल से क्लासेस ले सकते हो स्टार्ट कर सकते हो, तो मौका है आप सभी, ठीक है दिमाग में रखिएगा मौका है आप सभी के पास इस क्लासेस को लेने का इसी रेफर कोड को यूज करके, ठीक है गोल SSC रखें, क्योंकि मैं SSC में डेडिकेटली आपको पढ़ा रहा हूं, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करें, मंथ सिलेक्ट करें और हैव अ रेफर कोड में लगाएं, ठीक है लाइव अमन, ठीक है लाइव अमन रेफर कोड लगाएं, ठीक है मिलते हैं आपसे 15 मिनट में कहां अनअकैडमी में, लिंक सबसे ऊपर दे रखा है, ठीक है रेफर कोड आपका ये है जिसको आपको यूज करना है लिंक को ओपन करने के लिए, 15 मिनट में पूछ रहा हूं मैं वहां पर, ठीक है 2:15 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, सेशन को लाइक करिए शेयर करिएगा, ठीक है ओके।